हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे बीच में मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट्स और हमारी एक टीम मेंबर, हमारे इन्वेस्टमेंट डिवीज़न की टीम मेंबर अनुषा जैन जी हैं, जिनका आपने बहुत बार मार्केट अपडेट्स देखा होगा अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये अब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने अपने SFM और कैपिटल मार्केट के पेपर में एग्जेम्पशन हासिल किया है। इन्होंने सेबी के एग्जाम भी क्लियर किए हैं। कौन कौन से एग्जाम आपने सेबी के क्लियर किए हैं? सर, रिसर्च एनालिस्ट क्लियर है, मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्लियर है, तो नाउ आई एम अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड अ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब ये स्टूडेंट्स को टेक्निकल एनालिसिस की, कैंडलस्टिक चार्ट एंड अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स की ये क्लासेस लेती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है और काफ़ी अच्छा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको फाइनेंस का लाइन पहले से ही बहुत अच्छा लग रहा था, या आपने क्लासेस ज्वाइन करने के बाद इसमें इंटरेस्ट डेवलप किया? सर, जब मैंने आपकी SFM की क्लासेस ज्वाइन की थी, तभी से मुझे पता लगा कि प्रैक्टिकली मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ इस सब्जेक्ट को, क्योंकि आपका जो वे ऑफ टीचिंग था टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि फाइनेंस लाइन ही मेरा करियर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था इस सब्जेक्ट। वेरी गुड। तो आपने उसी समय आपने सोच लिया था कि मैं अपना करियर, चाहे जॉब भी लाइन में क्यों ना हो, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं एक फाइनेंस का एक प्रोफाइल लेकर आगे बढ़ूंगी। बहुत अच्छी। और फाइनेंस देखिए, ओनली स्टॉक मार्केट नहीं होता, फाइनेंस में और बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी होता है, इसमें मर्जर एंड एक्विजिशन भी होता है, इसमें वैल्यूएशंस भी होता है। तो इट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफाइल इन फाइनेंस। इसमें म्यूचुअल फंड भी होता है, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी होता है। तो आपने MBA और MCOM भी आप परस्यू कर रहे हैं? यस सर, मैं MBA MCOM भी परस्यू कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप ओवरऑल अपने आप को बहुत अच्छा, आपने अपने करियर को बनाया है। और CA करते वक्त आप बहुत बार, आपने पाया होगा कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको, बहुत बार आप हिम्मत भी हारे होंगे, तो उस जर्नी के बारे में बताइए। क्योंकि आप आज एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इतनी अच्छी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, बहुत गर्व की बात है कि जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली थी आज वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या आपकी जर्नी रही, थोड़ा हमें बताएं। सर, मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है इसमें, क्योंकि मैंने आपकी जब क्लासेज ज्वाइन की थी, तब से मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे अकाउंट्स या टैक्सेशन इन फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंस सेक्टर में ही मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो तब से ही मैंने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सारी स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस में ही कर दी थी स्टार्ट, तो जिसके वजह से मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। एंड साथ साथ ही मैंने कोचिंग्स ली एंड सर ने मोटिवेशन दी मुझे बीच बीच में कि कभी भी अगर हम डीमोरलाइज फील करते थे तो सर मोटिवेट करते थे कि अभी एक साल की, दो साल की स्ट्रगल है, उसके बाद आप देखेंगे कितनी अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होने वाली है। सो ये सब मोटिवेशन के साथ बस पढ़ते रहे साथ साथ थोड़ा, और साथ में लर्न करते रहे, जिसकी वजह से आज अब मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड ये काफ़ी प्राउड की बात है मेरे लिए। एंड सर ने मुझे गाइड किया, ये मेरे लिए और ज़्यादा प्राउड की बात है। सबसे अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर पढ़ना। Yes, sir. उसने, वो आपने प्रूफ कर दिया अपने फाइनेंस लाइन में, आपने रैंडमली अपने करियर में बहुत अच्छा किया है और आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप अपने लिए सक्सेस आपने प्रूफ किया, आई थिंक दूसरे भी आपको देखकर डेफिनेटली आपकी क्लासेस को लेकर, आपसे ट्रेनिंग लेकर सक्सेस फील करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, कैंडलस्टिक चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस, वो क्या क्लासेस होता है और क्या उसमें ट्रेनिंग दी जाती है? सर, बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप फंडामेंटल बेसिस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक पर भी। तो जिसको एकदम नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, क्या वो क्लास ले सकता है? नहीं सर, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि बाय सेल कैसे करना होता है, क्या डिलीवरी में होता है, क्या इंट्राडे होता है। तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के बाद आपको टेक्निकल में जाना चाहिए, एकदम से टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि आप कॉल्स जनरेट कर सकते हैं अपने आप, कब बाय सिग्नल आ रहा है, कब सेल सिग्नल आ रहा है, कब पोजीशन रिवर्स करने का टाइम आ चुका है। तो ये सब आप इंडिकेटर्स के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। बट अगर आपको बाय सेल भी करना नहीं आता है तो इट्स एडवाइजेबल कि सर की जो स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स है फंडामेंटल के, आप वो पहले लीजिए, उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड, चलिए, बहुत अपने अच्छा क्लियर किया। तो कुछ बातें जो स्टॉक मार्केट का जब हम नाम सुनते हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, बट ऐसा नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट लॉसेस। तो क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं? और मैं हमेशा क्लास में तो बताता ही हूँ, प्लस मैं आपके
भी आप में सुनना चाहता हूँ कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर कुछ बातें जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में एंटर करते हुए, कि आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको ये नहीं देखना है कि इसमें लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो प्रॉफिट दिखाया जाता है। एक्चुअल में अगर आपको नॉलेज नहीं है या आप बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं तो आपको लॉसेज भी हो सकते हैं। आपको साथ में अपना सारा भी जो पैसा है आपका जो स्पेयर है वो नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको हमेशा जैसे सर बोलते हैं 10 से 20% आपकी स्पेयर मनी का इन्वेस्ट करना है। स्पेयर मनी का, स्पेयर मनी का 10 से 20%। मैं तो कहता हूँ पहले फिक्स डिपॉजिट करवा लो, पहले लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, अपने सारे नेसेसिटीज आइटम ले लो, एंड देन यू हैव सम मनी। अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं देन यू कम इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, आप प्लीज़ अपने बोरोइंग से कभी भी स्टॉक मार्केट में आप पैसा अर्न नहीं कर सकते, इट्स स्ट्रिक्ट नो। आज मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैंने स्टाइपेंड का पैसा लगा दिया, मैंने अपने सैलरी का पैसा लगा दिया। डोंट डू दिस, नेवर एडवाइजेबल, नेवर एवर एडवाइजेबल। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक बिजनेस में लॉस होता है, हर एक बिजनेस में प्रॉफिट होता है। आज बड़ी बड़ी बिजनेसेस में लॉस हो रहा है, आज बड़ी बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री डूब रही है, आज बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री डूब रही है, आज बड़ी बड़ी रियल एस्टेट सेक्टर डूब रही है। आप समझ रहे हैं, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट, इट्स ऑल्सो अबाउट लॉसेस। ठीक है, सर बोलते भी है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, तो आपको वही बेसिक अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में, उसको अपना एक प्रिंसिपल बना लेना चाहिए कि आप पहले सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना है तब आप एंट्री लेंगे। और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर ट्रेडिंग से भी शुरू कर सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए और उसमें आप अपने नॉलेज को लिखिए कि अगर मैं ये शेयर बाई करता तो क्या होता और क्या नहीं होता। पेपर ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एज लो एज, मैं तो कहता हूँ एज लो एज 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। 100 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, आप शुरू करें, शुरू करने में लेट ना करें। लेकिन आप अपना बोरोइंग से कभी मत लगाएं, अपने स्टाइपेंड सैलरी, अपने बेसिक नीड्स, कोचिंग फीस बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि देखिए अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। ठीक है, दोनों साइड्स हैं, स्पेयर मनी है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मैं आप अलग वेंचर कर सकता हूँ तो वेंचर आउट करें, स्पेयर मनी नहीं है तो 100-200 रुपये हर महीने 500 रुपये लगाएं। आई थिंक दिस शुड बी द रूल। सर हम म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में भी गाइडेंस देते हैं कि अगर आपके पास इतने ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर अपना एसआईपी। ऑल आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप जब टीवी में एड भी देखते होंगे तो लास्ट में एक लाइन चला जाता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मनी शुड नेवर बी एन हिंड्रेंस। आई थिंक अनुषा जी के पास भी बहुत पैसे नहीं थे, आज वो इतनी नॉलेज इस लाइन का ले पाई है। जस्ट उन्होंने हर महीने 500 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी 200 रुपये, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करती गई और आज उन्हें इतना नॉलेज मिला। भले ही उन्होंने अर्न नहीं किया लेकिन नॉलेज तो मिला। नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, अर्निंग अपने आप आएगी। आप किसी कंपनी में भी आप ज्वाइन करेंगे तो कंपनी भी आपका नॉलेज चेक करती है, आपकी बैंक बैलेंस चेक नहीं करती है कंपनी। तो बड़ी बड़ी कंपनी को आप जैसे लोग चाहिए, अनुषा जैसे लोग चाहिए जो उनकी कंपनी को फाइनेंशियली और स्ट्रांग कर सके। तो हम लर्निंग पे जोड़ दें, मेरा ये मानना है। अब जैसे स्टार्टिंग में भी जब मैंने सर की क्लासेज ज्वाइन की थी तब मेरे पास इतना ज्यादा फंड नहीं था कि मैं खुद ट्रेड कर सकूं, बट सर ने बोला था आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं तो मैं भी पेपर ट्रेड करती थी। सर के साथ ही मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैंने डीमार्ट का आईपीओ आया था उसमें सर के बोलने पर इन्वेस्ट किया था, मुझे अर्न हुआ था 100%। मतलब मैंने उसमें पैसे लगाए हैं 15,000 एंड मेरे वो जो लिस्टिंग हुई थी उसमें 30,000 हो गया था अमाउंट। सो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी छोटे से ही शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट करता है। सो बेसिकली आपको लर्निंग पर ही मेन फोकस रखना है। ठीक है, लर्निंग पे फोकस रखना है, अर्निंग पे फोकस नहीं रखना। डेट मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। फाइन, तो देखिए इन सब चीज़ों को नॉलेज में लेकर आएँ, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे लाइफ में। और अनुषा जी फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आप इतना कुछ आपने अचीव किया इतने कम समय में, इतने कम एज में आपने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, दैट्स वेरी गुड। और आई नो कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे आगे भी, और आगे भी आप कहीं भी जाएंगे आप नंबर वन पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA परस्यू कर रहे हैं, MCOM परस्यू कर रहे हैं, SFM में एग्जेम्पशन,
इलेक्टिव पेपर में एग्जेम्पशन, सेबी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, बहुत सारे सर्टिफाइड ये रिसर्च एडवाइज़र हैं और टेक्निकल एनालिसिस का ये क्लास ले रही हैं कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड लेट्स योर जर्नी बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। एंड जाते जाते अपने सीए स्टूडेंट्स को, खास कर को सीए सीएस सीएमए सीएफए स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें खास तौर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जो मेन की है कि वो आप हमेशा मोटिवेटेड रहे, आप कभी भी डाउन फील कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो जर्नी है उसके बाद जो आपको डेस्टिनेशन मिलने वाली है वो कितनी प्यारी होगी एंड वहाँ पर जाने के बाद आपको कितना अच्छा फील होने वाला है, आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा फील होने वाला है, वो सारा वर्थ इट होगा। सो कभी भी मोटिवेशन को लूज ना करिए एंड हमेशा पढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोच रखें। ठीक है, पॉजिटिव सोच रखें, सब कुछ अच्छा होगा, इस सोच के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर की जो लाइन है लर्न मोर अर्न मोर, वो बिल्कुल सर ने बता दिया है प्रैक्टिकली कि कैसे हम ज़्यादा लर्न करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और हमने किया भी है, और सर की क्लासेस बहुत प्रैक्टिकल रही हैं और बहुत अच्छे से हमने किए हैं। थैंक यू। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूँ, हिंस SFM, हिंस आदित्य बहन सर। Beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when